नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुंबई में भारी बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। महालक्ष्मी एक्सप्रेस को बदलापुर और वानगनी के बीच रोक दिया गया है। ट्रैक पर पानी भरने की वजह से इस ट्रेन को रोका गया है। सेंट्रल रेलवे ने इस बात की पुष्टि की है। पाकिस्तान की सेना ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर माचल सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। क्रॉस बॉर्डर से हुई इस फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को और मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। बता दें कि अतिरिक्त जवानों की तैनाती का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे से लौटने के बाद लिया गया। इराक में फंसे 6 पंजाबी युवक सकुशल स्वदेश लौट आए हैं। थोड़ी ही देर में यह सभी पंजाबी युवक सांसद और केंद्रीय मंत्री हरमीत कौर से मुलाकात करेंगे। बता दें कि यह सभी युवक फर्जी एजेंटों के चक्कर में 8 महीने से इराक में फंसे हुए थे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों के बेड़े में शामिल होने वाले अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के लिए इंतजार खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली खेप गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें रोज बढ़ती जा रही है। संसद में बीजेपी महिला सांसद पर की विवादित टिप्पणी के बाद जोहर यूनिवर्सिटी की जमीन के मामले पर भी उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एसडीएम सदर कोर्ट ने आजम खान के जोहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया गया है। मोइन कुरैशी केस में सना सतीश बाबू को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। सना सतीश बाबू ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल वजूभाई वाला ने येदियुरप्पा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिकी सीनेट ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अगला चेयरमैन बनाने के लिए वोट दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बैठक के कुछ दिन बाद पेंटागन ने 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की सैन्य बिक्री को मंजूरी देने के अपने फैसले के बारे में कांग्रेस को अधिसूचित किया, जिससे पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल पर 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMSTV के साथ। नमस्कार।